हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल लर्न बाय फन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड में इसके अलग अलग बेसिस पे इसको देखा जाता है। सबसे पहले अपीयरेंस इन क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब कि क्रॉस सेक्शन में कैसा दिखता है। इसमें अपने टोटल एंटी फॉर्म, सिंक फॉर्म, एंटीक्लाइन, सिंकलाइन, एंटीक्लोरियम एंड सिंकलोरियम, टोटल सिक्स अलग अलग इसमें अपन को इसके अपीयरेंस देखने को मिलेंगे अलग अलग टाइप। तो अपन बात करेंगे एंटी फॉर्म की। एनी अपवर्ड कन्वेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंटी फॉर्म। ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो कि कन्वेक्स हो और साथ में वो अपवर्डली हो, मतलब कि अगर ये सरफेस है तो इससे थोड़ा उठा हुआ हो तो उसको अपन एंटी फॉर्म बोलेंगे। उसके बाद बात करेंगे सिन फॉर्म। सिन फॉर्म क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट। एनी अपवर्ड कनकेव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिन फॉर्म। कोई भी कनकेव स्ट्रक्चर हो जो कि अपवर्डली हो, मतलब अंदर की तरफ हो बट वो पर अपवर्ड हो। उसके बाद बात करेंगे एंटीक्लाइन की। एंटीक्लाइन होता है, इट इज अ जनरल कन्वेक्स अपवर्ड हैविंग द लिम्स स्लोप अवे फ्रॉम द ईच अदर। इन दिस ओल्ड रॉक्स आर इनसाइड एंड द यंगर रॉक्स आर आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि जो ये स्ट्रक्चर होता है ये एक तरीके का एंटी फॉर्म ही होता है, बट इसके अंदर जो लिम्स होते हैं ये दूर जाते हुए होते हैं। ये लिम्स होते हैं ये दूर जाते हुए होते हैं। और इसके बाद ये जो यंगर बेड्स है, जो फॉर्मेशन है, यंगर बेड्स अपन को ऊपर की तरफ दिखती है और जो ओल्डर बेड्स होती है वो अंदर की तरफ दिखती है। इसके बाद बात करेंगे सिंकलाइन की। तो सिंकलाइन क्या होता है? इट इज जनरली अ कॉनकेव अपवर्ड। ये जस्ट अपोजिट होता है एंटीक्लाइन का। इसके अंदर क्या होता है कि जो ओल्डर बेड होती है वो अपन को ऊपर की तरफ दिखती है और जो यंगर बेड होती है वो नीचे की तरफ होती है अर्थ सर्फेस के। इसके बाद बात करेंगे एंटीक्लोरियम और सिंकलोरियम। एंटीक्लोरियम क्या होता है कि एक लार्ज साइज ऑफ एंटीक्लाइन होता है, मतलब कि अगर बहुत सारे एंटीक्लाइन सिंकलाइन इसके अंदर है और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसको एंटीक्लाइन बोलेंगे। इसके बाद सिंकलाइन, अगर बहुत सारे सिंकलाइंस और एंटीक्लाइंस इसके अंदर है और जो कि सिंकलाइनल स्ट्रक्चर बना रहे तो इसको अपन सिंकलोरियम बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री में सबसे पहले सिमेट्रिकल आता है, फिर एसिमेट्रिकल आता है, फिर रिकम्बेंटेड फोल्ड आता है, उसके बाद फिर आइसोक्लाइनल फोल्ड आता है और उसके बाद ओवरटर्न फोल्ड आता है। अपने सबसे बाद में बात करेंगे सिमेट्री की। नाम से ही पता चल रहा है सिमेट्री से क्या मतलब है कि जो एक्सेस ऑफ प्लेन है वर्टिकल होता है जो कि वो बाइसेक्ट करता है फोल्ड्स को इनटू टू पार्ट्स में जो कि इक्वली होते हैं, उसको अपन बोलते हैं कि ये सिमेट्रिकल फोल्ड है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे एसिमेट्रिकल फोल्ड। इट इज द केस इन विच द लिम्स हैव द डिफरेंट एंगल एंड एक्सियल प्लेन कैन नॉट डिवाइड द फोल्ड इनटू द टू सिमेट्रिकल पार्ट्स। इसका मतलब कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते। जब अपन इसकी एक्सियल फोल्ड खींचते हैं तब देखिए आप भी ये अलग जा रहा है इसका और इस तरफ अलग है। इसके बाद बात करेंगे रिकमेंडेड फोल्ड। इट इज अ ओवरटर्न फोल्ड। ये एक टाइप का ओवरटर्न फोल्ड होता है इन विच द एक्सियल प्लेन इज हॉरिजॉन्टल और नियरली सो। जो इसकी एक्सियल प्लेन होती है ये थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल की तरफ होती है, उसके जैसी होती है, पूरी वर्टिकल नहीं होती है। इसके बाद जो इसके जो लिम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थिन होते हैं और जो कंपरेशनल बेड्स होते हैं वो उसके लिम्स यहाँ पे अपन को चौड़े देखने को मिलते हैं और यहाँ पास में अपन को थोड़े पतले देखने को मिलते हैं। आइसोक्लाइनल फोल्ड एक ओवरटर्न फोल्ड का ही टाइप है जिसके अंदर उसके जो लिम्स होता है उसमें सेम अमाउंट ऑफ डिप होता है और सेम अमाउंट ऑफ डायरेक्शन होती है। ये डिप है, इधर वाला डिप, ये जो डिप है और ये डिप है, सेम अमाउंट ऑफ डिप होगा और जो इसकी सेम डायरेक्शन होगी। ये था अपना पूरा आइसोक्लाइनल। अब अपन बात करेंगे ओवरटर्न फोल्ड की। इसके अंदर अपन को देखना है, इट इज नोन एज द ओवरटर्न फोल्ड। देयर इज अ एक्सियल प्लेन इंक्लाइंड एंड बोथ द लिम्स हैव सेम डायरेक्शन बट हैविंग अ डिफरेंट एंगल। इनकी लिम्स की डायरेक्शन तो सेम है बट अलग अलग एंगल से इनके, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ द लिम्स। तो थिकनेस ऑफ द लिम्स पे तो जो ये पैरेलल फोल्ड होता है इसके अंदर क्या होता है कि इन दिस फोल्ड द थिकनेस ऑफ द लिम्स रिमेन द सेम। मीन्स कि जो ये थिकनेस है लिम्स की ये सेम देखने को मिलती है, सब में थिकनेस सेम देखने को मिलती है, बट इसके जो अंदर होता है जो एंटीक्लाइनल होगा इसमें, ये एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है इसमें, ये जो होगा अंदर की तरफ ये शार्प एजेस बनाएंगे और जब अगर सिंकलाइनल होगा तो उसमें बाहर की तरफ वो शार्प एजेस बनाएंगे। ये खासियत होती है पैरेलल फोल्ड की। इसके बाद आता है सिमिलर फोल्ड। सिमिलर फोल्ड का क्या मतलब होता है?
कि वो फोल्ड जिसके अंदर इसके जो एक्सियल प्लेन से वो अलोंग वेरी करेगा और जो लिम्स होगा वहां से ये थिन होंगे और हिंजेस पे ये थिक होंगे। आप देख सकते हैं लिम्स पे ये थिन है, एकदम पतले पतले हैं, पर जो हिंजेस है यहाँ पे ये एकदम थिक है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में दो फोल्ड आ जाते हैं, प्लंजिंग फोल्ड और नॉन प्लंजिंग फोल्ड। प्लंजिंग फोल्ड आपको पता है ये वो फोल्ड होता है जिसके अंदर एक्सेस इसकी हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, मतलब कि अगर ये फोल्ड ऐसा बना है पूरा तो इसकी एक्सेस ये जो हॉरिजॉन्टल नहीं होती है और ये डिपेंड करती है एक्सेस और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में इसका जो एंगल है वो डिपेंड करता है ये वाला। इसके बाद बात करेंगे नॉन प्लंजिंग फोल्ड की। तो नॉन प्लंजिंग फोल्ड वो फोल्ड होगा जिसमें उसकी जो हॉरिजॉन्टल रहेगी और मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ द प्लंजिंग फोल्ड। फिर कुछ ऐसे स्पेशल फोल्ड्स भी देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे पहला आता है बॉक्स फोल्ड। बॉक्स फोल्ड का मतलब देखो आपको डायग्राम में ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो इसके ये है ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर दो हिंज होते हैं, ये चीज आपको लिखना जरूरी है कि इट हैज द टू हिंज, क्योंकि यहाँ पर भी एक हिंज सरफेस है और एक यहाँ पर भी हिंज सरफेस है, ठीक है। इसके बाद आता है फैन फोल्ड। फैन फोल्ड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक फैन के नुमा आकृति बनाता है ये। इसके अंदर क्या होता है जो लिम्स होते हैं वो ओवरटर्न्ड होते हैं और जो शेप होता है वो अज्यूम किया जाता है फैन की तरह, जो कि मैंने आपको बता दिया। जो सिंकलाइन होता है वो टूवर्ड्स मतलब जो सिंकलाइनल स्ट्रक्चर होता है उसके जो लिम्स होते हैं वो टूवर्ड्स ईच अदर होते हैं, जैसे कि जो सिंकलाइनल स्ट्रक्चर ये इसके लिम्स है टूवर्ड्स ईच अदर और ये आर अवे फ्रॉम द ईच अदर, ठीक है। एंटीक्लाइनल में लास्ट आता है इसमें शेवरन फोल्ड। शेवरन फोल्ड क्या होता है, ये जो नुकीला फोल्ड बनता है मतलब जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं, इसका मतलब कि जिगजैग लाइक फोल्ड होता है और इसके जो क्या बोलते हैं एंगुलर बॉडीज होती है वो शार्प हिंजेस पर रहते हैं, ये हिंजेस शार्प है इसके, ये शेवरन फोल्ड। इसके बाद बात करेंगे इसका जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन है। अपन ने अभी पढ़ लिया था इसका जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन, अब अपन पढ़ेंगे इसका जेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो जेनेटिक क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में होता है, टेक्टोनिक ओरिजिन मतलब मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण और नॉन टेक्टोनिक ओरिजिन मतलब की अदर कन्वीनियंस। टेक्टोनिक के अंदर दीज आर द फोल्ड कॉज बाय द ऑर्गेनिक मूवमेंट इफ एन एरिया हैज मोर देन वन टाइप ऑफ फोल्डिंग इट रिजल्ट्स द क्रॉस फोल्डिंग। अगर किसी भी एरिया में एक से ज्यादा फोल्डिंग है तो वो क्रॉस फोल्डिंग शो करेगा, ठीक है। फिर टू एंटीक्लाइनल इंटरसेक्ट ईच अदर रिजल्ट द क्यूमुलेशन, और अगर दो एंटीक्लाइन अगर ऐड होते हैं किसी में तो वो क्यूमुलेशन बनाते हैं, और अगर एक एंटीक्लाइन और एक सिंकलाइन ऐड होता है तो वो अपन को देखने को मिलता है कि वो एक डिप्रेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्टोनिक, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन टेक्टोनिक। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले कैम्बरिंग एंड वैली बल्जिंग। इसके अंदर कैम्बरिंग अकर्स व्हेन द बेड्स फॉर्म द कैपरिंग ऑफ हिल्स, इट मींस कि ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर ये जो है ये वाला पार्ट होता है इसको कैम्बरिंग बोलते हैं, मतलब जहां पे आके मटेरियल डिपोजिट होता है ये वाला पॉइंट, जहां से मटेरियल इरोडेड होता है ये वाला पॉइंट को अपन बोलते हैं कैम्बरिंग। और ये वैली बल्जिंग मतलब कि यहाँ पे ये वैली पे आके डिपोजिट होता है, तो ये वैली बनती है ऐसे वी शेप थी पहले, पर जब इसमें डिपोजिशन हुआ यहाँ पे ये जो डिपोजिशन हुआ ये वाला, तो ये इसको क्या वी से थोड़ा सा यू शेप में कन्वर्ट कर देता है, ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद आएगा डाइफ्रिक या प्री क्रेमियन फोल्ड। इसमें क्या आएगा, दीस आर द फोल्ड ड्यूरिंग द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द मास ऑफ द रॉक। इट मीन्स क्या होता है कि इसमें ये चार पार्ट से बताया, पहले ये प्लेन था सपोज, फिर इसपे क्या हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा तो क्या हुआ यहाँ पे दबाव आया और यहाँ से ये उठेगा, क्योंकि यहाँ तो ये दब चुका है, अब ये दबने के बाद कुछ ऐसा होगा और धीरे धीरे और दबेगा, दबने के बाद फिर ये कुछ ऐसा मशरूम लाइक स्ट्रक्चर जो बना लेता है इसको अपन बोलते हैं कि ये डाइफ्रिक फोल्ड है। इसके बाद आता है ग्रेनिटिक स्लाइडिंग, तो ये होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी स्लाइडिंग ये होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि डिपोजिशन होता है वैली में बड़े बड़े पत्थरों का ग्रेविटी के साथ नीचे जाना और ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो ये सब था अभी इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने जियो क्लासिफिकेशन बताया जो कि ज्योमेट्रिक बेस्ड था और जेनेटिक बेस्ड था। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू वेरी मच।